नमो नमः मित्राणि। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको संस्कृत भाषाया शिक्षणम सीट 2019 की परीक्षा में संभावित आने वाले संस्कृत पद्य खंड पर आधारित किंचित प्रश्नानाम समुचित उत्तरेण सह वार्ताम करोत। मित्रों, संस्कृत पद्यखंड पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पद्यखंड से संबंधित तो प्रश्न होते ही हैं, लेकिन दो तीन चार आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी होते हैं। इसलिए मित्रों, व्याकरण में आपको इन वीडियो के बाद फिर पढ़ाऊंगा या निश्चित रूप से वीडियो दूंगा, लेकिन पहले आप इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप देखें और इन प्रश्नों में जो व्याकरण है उनकी व्याख्या मैं आपको कर दे रहा हूं। मित्रों, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा श्लोक क्या है। पेपर में आपके दिया रहेगा मित्रों, अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा तेनैव आधारेण प्रश्नोत्तराणि लेखनीयानि। अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पद्यखंड से संबंधित दिए गए प्रश्नों को पढ़ करके उसका समुचित उत्तर दीजिए। तो मित्रों, पद्यखंड हो या गद्यखंड हो, उसका उत्तर देने में आपको जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए या कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना सरल होता है। मैं आपको सरलतम ढंग से आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये समझ लें कि जो भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है, अगर जो प्रश्न में आए हुए शब्द हैं उन शब्दों को आप अपने श्लोक की पंक्ति में अथवा गद्यखंड की पंक्ति में देखिए कि किस पंक्ति में हमारे ये शब्द मिल रहे हैं। जिस पंक्ति में हमारे शब्द मिलते हैं उसी पंक्ति में उसका उत्तर विद्यमान है। अब मित्रों, उस पंक्ति के अर्थ को हम जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है परीक्षा का इतना तनाव रहता है और दुश्चिंतता रहती है कि विद्यार्थी जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं, लेकिन जब उसका हमको अर्थ पता रहेगा, क्लियर रहेगा, तो मित्रों कभी गलतियां नहीं होगी। और देखिए, कंपटीशन के एज में एक एक नंबर जो है माने रखता है, तो इसलिए मित्रों ध्यान दीजिएगा। ये हमारा श्लोक, पुरस्कृता वर्तमान पार्थिवे न प्रत्युदगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीर राज धेनो दिन छपा मध्य गते व संध्या। मित्रों, ये श्लोक है आपका रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से संकलित किया गया है। दिलीपस्य गो सेवा, दिलीपस्य गोसेवा, राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ के द्वारा दी गई नंदिनी गाय को लेकर के वन में जाते हैं और उनके द्वारा आगे गाय को कर दिया जाता है और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा भी उनके साथ जो है जाती हैं, तो उनके बीच में वह गाय कैसे सुशोभित हो रही है उसी का वर्णन मित्रों इस श्लोक में दिया गया है। पुरस्कृतावर मनि पार्थिवेन प्रात्योद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरेशा वीरराज धेनो दिनाक्षपामा ध्यगते व संध्या। वर्तमान पार्थिवेन प्रत्युदगता पुरःकृता, पार्थिवेन माने राजा के द्वारा, यानी राजा दिलीप के द्वारा वर्तमान माने मार्ग में पुरःकृता, पुरःकृता पुरस्कृता, मार्ग में आगे किए जाने पर राजा दिलीप के द्वारा गाय को आगे कर दिया जाता है। प्रत्युदगता पार्थिव धर्म पत्न्या, उसके बाद जो है पत्नी सुदक्षिणा है, तो तदंतरेसा वीरराज धेनु, पत्नी सुदक्षिणा और
राजा दिलीप के मध्य में दिन छपा मध्य गते संध्या। दिन और छपा माने रात्रि होता है मित्रों, दिन और रात्रि के मध्य में जैसे संध्या, संध्या का मतलब है जब सूर्यास्त होने को होता है या सूर्यास्त के बाद में जो प्रकाश विद्यमान होता है रात्रि के पहले और दिन के समाप्ति के बाद, वही है हमारी संध्या। तो मित्रों इसमें पहला हमारा प्रश्न है, छपा शब्दस्य कह अर्थः, छपा शब्दस्य कह अर्थः, छपा शब्द का क्या अर्थ है? तो छपा का अर्थ है रात्रि, छपा माने रात्रि। तो मित्रों इसका उत्तर क्या हुआ? छपा का अर्थ क्षमा नहीं है, पृथ्वी नहीं है, रात्रि है और छत्री भी नहीं। तो दिनक छपा मध्यगते व संध्या, यहां दिन और छपा ये दोनों विलोम शब्द हैं। दिन का विलोम रात्रि, रात्रि का विलोम दिन, तो छपा का अर्थ है रात्रि। तो दिनक छपा मध्यगते व संध्या, जैसे दिन और रात्रि के मध्य में संध्या होती है, उसी प्रकार से राजा और दिलीप और रानी, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य में यह गोनंदिनी सुशोभित होती है। पार्थिव धर्म पत्निया, पार्थिव यानी राजा की धर्म पत्नी के प्रति उदगता, पत्नी के द्वारा आगे किए जाने, पत्नी के द्वारा आगे और पति के पीछे। तो पति के आगे पत्नी है और पत्नी के पीछे गाय है, गाय के पीछे राजा है। तो इसका उत्तर मित्रों क्या हुआ? छपा शब्द था रात्रि। राज्य तथा तस्य पत्नी मध्य कह सुशोभिता, ये प्रश्न आ गया। देखिए, राज्य तथा तस्य पत्नी मध्य कह सुशोभिता, तो मध्य गतेव धेनु, धेनु दिन छपा मध्य गतेव संध्या। तो दिन और रात्रि के मध्य में धेनु कह सुशोभित, कौन सुशोभित हुई? राजा और रानी के बीच में कौन सुशोभित हुई? तो धेनु, जैसे दिन और रात्रि के मध्य में। मित्रों अब यहां पर प्रश्न एक और बन सकता है, जैसे राज्ञ और तस्य पत्नी मध्य आया है, हो सकता है दिन तथा छपा मध्य कह सुशोभित, तो संध्या। रात्रि और दिन के बीच में कौन सुशोभित होता है? तो संध्या। जैसे संध्या सुशोभित होती है, उसी प्रकार से राजा और रानी के मध्य में वह गाय सुशोभित होती है। मित्रों आपको बता दूं, जापर कृपा राम कई होई, तापर कृपा करही सब कोई, होई हई सोई जो राम रचिराखा। मित्रों होई हई सोई जो राम रचिराखा, जो विधाता ने लिख दिया है, राई घटे न तिल बढ़े बर समूल, राई घटे न तिल बढ़े। तो समय अब वो आ गया है, राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद स्वरूप नंदी गाय को प्राप्त करते हैं, गोनंदिनी को। तो गोनंदिनी जो है वह गाय सुशोभित होती है राजा और रानी के मध्य में। पार्थिव शब्द से कह अर्थ, पार्थिव शब्द का क्या अर्थ है? पार्थिव माने राजा, राज्ञ। अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम कह राज्ञ, क्योंकि पार्थिव का अर्थ कृष्ण भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, सखा भी नहीं। तो मित्रों ये प्रश्न बड़े ही आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह पद्यखंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर पद्यखंड वही आते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरक होते हैं। अगला मित्रों प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोके से अलंकार लिख, अलंकार लिख, प्रस्तुत श्लोक में अलंकार लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपक अलंकार, अब मित्रों आपको बताना चाहूंगा दो बातें होती हैं अलंकार के लिए, अर्थालंकार में, अर्थालंकार में
एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय और दूसरा होता है उपमान। ध्यान दीजिए, उपमेय का मतलब है जो शरीर से संबंधित है, शरीर से संबंधित जो होता है वह उपमेय होता है, और उपमान प्रकृति से जो संबंधित होता है, प्रकृति से संबंधित जो प्रकृति से संबंधित होता है मित्रों वह उपमान है, और जो शरीर से संबंधित होता है वह उपमेय है। या इसको आप एक चीज और कह सकते हैं, जो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है वह उपमेय है, और जो वास्तविक होता है वह आपका क्या है, उपमान है। जैसे मित्रों अगर कह दिया जाए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। इसमें देखिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा और खिलौना में उनको कोई भेद, तो चंद्रमा देखिए क्या है, प्रकृति है, चंद्रमा प्रकृति है, और खिलौना क्या है, शारीरिक है, हमारे शरीर के द्वारा निर्मित किया गया है। तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्रमा को खिलौना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों उपमेय और उपमान जो शरीर से संबंधित है वह उपमेय है, और जो प्रकृति से संबंधित है वह उपमान है। तो मित्रों इसमें देखिए, इसमें जो है अस्मिन श्लोके का श्लोक पुरस्कृत वर्तमान पार्थिवेना प्रत्युदगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सादिर राजधेनो दिनक्षपा मध्य गते व संध्या गत इव, मध्य गते व संध्या मध्य गता इव। इव शब्द देखिए जिसमें आता है वहां पर उपमा अलंकार होता है इव शब्द, लेकिन इनके दो तरीके हैं मित्रों, बहुत सरल मेथड है। अगर क्रिया के बाद में बिरराज, यहां क्रिया है बिरराज क्रिया है, क्रिया के बाद में अगर इव आता है तो उपेक्षा अलंकार होता है, और अगर क्रिया के बजाय संज्ञा और सर्वनाम के पहले बाद में, संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद में अगर इव जोड़ा गया है तो समझ लीजिए मित्रों वहां पर क्या है, वहां पर रूपक अलंकार है। और आपको बता दूं इव जो होता है यह आपका उपमावाचक है, अगर यही संज्ञा और सर्वनाम के बाद में है तो मित्रों उपमा अलंकार है। ध्यान दीजिए, शायद मैं रूपक बोल दिया, उपमा अलंकार है। और अगर यही क्रिया के बाद में है तो यह आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर क्रिया के बाद में इव आया है तो उत्प्रेक्षा है, और संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आया है तो उपमा अलंकार है। तो मित्रों इसमें कौन अलंकार है, उपमा अलंकार। दिन और रात्रि के मध्य में जैसे संध्या सुशोभित होती है, दिन और रात्रि के मध्य में जैसे संध्या, वैसे ही मित्रों राजा और रानी के बीच में वह गो नंदिनी गाय सुशोभित होती है। तो इसलिए मित्रों इसका जो है वास्तविक उत्तरम उपमा अलंकार है। अग्रिम प्रश्न, निम्न पदेषु विलोमानि शब्दानि अस्ति, निम्नलिखित पदों में विलोम शब्द है, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा विपरीत। तो विपरीत का मतलब पुत्र पूत, गांव गांव में पूत भी कहते हैं देशज भाषा में, पूत सपूत कुकाधन संचय पूत कपूत, तो पूत और पुत्र दोनों अगर देखा जाए तो ये समानार्थी विलोम नहीं। रत्नाकर माने भी समुद्र होता है और सागर माने भी समुद्र होता है, इसलिए यह भी समानार्थी है। धेनु माने भी गाय होता है और गाम माने भी गाय होता है, इसलिए यह भी समानार्थी है। इसलिए मित्रों दिनक्षपा,
दिन माने दिन और छपा माने रात्रि, यही आपका विलोम है। इसलिए मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, ये रात्रि के निम्नलिखित जो है पर्याय है, रात्रि निशा माने रात्रि, रजनी माने रात्रि, छपा माने रात्रि, सर्वरी माने रात्रि, क्षणदा माने रात्रि, विभावरी माने रात्रि, एते सर्वे तो रात्रि शब्दस्य पर्यायः अस्ति। तो अनेन प्रकारेण एव अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम तु केवलम अपि दिनक्षपा, केवलम अपि डी विकल्प सत्यम अस्ति। अग्रिम प्रश्न, पार्थिवेन शब्दस्य विभक्तिम कथय, पार्थिवेन शब्द में विभक्ति बताइए। मित्रों, आपको एक बहुत सरल मेथड बताऊंगा, आप इस ट्रिक के द्वारा एक सेकंड में आप विभक्तियों को पहचान जाएंगे। आप देख लीजिए, हमारी सात विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन भी होता है। तो आह, आम, एन, आय, आत, आस, ए, हे। आह, आम, एन, आय, आत, अस्य, ए, हे। आह, आम, एन, आय, आत, अस्य, ए, हे। अब मित्रों, दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए, एन अगर आया है तो एन माने तृतीया, पार्थिवेन नगरेन ग्रामेन सदनेन भवनेन ग्रामेन, हाँ, तो इस प्रकार से एन एन अगर आता है तो आप समझ जाइए कि वह तृतीया विभक्ति है। तो यहां पर क्या आया है, पार्थिवेन, तो पार्थिवेन शब्द में कौन व्यक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी मित्रों, तृतीया विभक्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा, तृतीया। आप अन्य प्रश्नों के लिए भी, अन्य विभक्तियों के लिए भी, कोई भी विभक्ति अगर आपकी याद, प्रथमा विभक्ति में पुलिंग के लिए आपको बता रहा हूं, प्रथमा में आह, द्वितीया में अम, तृतीया में एन, चतुर्थी में आय, पंचमी में आत, षष्ठी में अस, सप्तमी में ए। आह, अम, एन, आय, आत, अस, ए, हे, इसको टिक बनाइए। आह, अम, एन, आय, आत, अस, ए, हे। 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 तो मित्रों, आप समझ सकते हैं, इसी प्रकार से अगर अस्य आया है, ग्रामस्य, नगरस्य, भवनस्य, विद्यालयस्य, संस्थानस्य, तो अस्य अस्य आता है तो षष्ठी विभक्ति है, आते आते आता है ग्रामात, नगरात, भवनात, अस्वात, गृहात, तो उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति। तो मित्रों, आज मैं पदखंड के अंतर्गत छह प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा आपसे किया। इसी प्रकार से मित्रों, और संबंधित पदखंडों को हम आपके पास प्रस्तुत करते रहेंगे, और निश्चित रूप से इन पदखंडों के अगर आप सभी प्रश्नों को सुन लिए, तो केवल अगर आप सुन लिए और वीडियो को देख लिए, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा से चंद्रा कोचिंग संस्थान में अगर आप आए हैं तो ईश्वर आपको निश्चित रूप से सफलता देगा। नमो नमः मित्राय, धन्यवाद है।